Now come to the exercise and the page number is 136, exercise 6.2, question number 1. Identify row matrices, column matrices, square matrices and rectangular matrices in the following matrices. अब आपने इनके अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चंस दिए हैं आपने ये बुक पे सॉल्व करना है. आपने ये बताना है कि फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 3111. अब ये आपके पास कॉलम है, रो है, स्क्वायर है, ये जो ऊपर नेम्स दिए गए हैं इनमें से ये कौन सा मैट्रिसेस है. मैं पार्ट वन आपको बताती हूँ. जैसे अब ये देखें इसमें सिंगल रो है तो सिंगल रो हमारे पास क्या होती है, रो मैट्रिसेस. तो आपने यहाँ राइट कर लेना दिस इज रो मैट्रिसेस. ठीक है. इसी तरह जैसे बी पार्ट है, बी पार्ट 5+2 देन 4, 2, 6. अब इसको अगर देखा जाए तो आपके पास ये 5 और 2 सॉल्व हो जाएगा, ये बन जाता है 7. तो हमारे पास 7, 4, 2, 6. तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. ये बाकी पार्ट्स भी आपने एज इट इज़ ऐसे ही खुद करने हैं. क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू भी एज इट इज़ है क्योंकि हम डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं. Identify diagonal matrices, scalar matrices, identity matrices. इसमें भी आपने ऐसे ही बताना है. अब जैसे ए पार्ट मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास मैट्रिसेस गिवन है. अगर यहाँ से चेक करें तो यहाँ पे ये देखें 310 310, और बाकी नॉन डायगनल एंट्रीज पे आपके पास नॉन डायगनल एंट्रीज पे ज़ीरो आ रहा है. तो हमने पढ़ा था कि अगर डायगनल एंड नॉन डायगनल एंट्रीज ज़ीरो हो जाए तो दिस इज़ कॉल्ड, और सेंटर यानी कि डायगनल एंट्रीज डिफरेंट टर्म्स आ जा सकती हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो हमारे पास डायगनल मैट्रिसेस होता है. ठीक है. इसी तरह नेक्स्ट देखें, आपके पास यहाँ पे 7, 7 आ रहा है, बाकी नॉन डायगनल एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो इसमें हमने कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, दिस इज़ कॉल्ड कौन सा, स्केलर. ठीक है. तो दिस इज़ कॉल्ड स्केलर क्योंकि स्केलर में डायगनल एंट्री सेम होती हैं एंड नॉन डायगनल ज़ीरो हो जाती है. ये भी आपने पार्ट सारे खुद करने हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर इज 137, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ. जी स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ए हमारे पास गिवन है, सॉल्यूशन राइट करेंगे. अगेन राइट क्वेश्चन, 3-1, 4, 4. ओके, सबसे पहले आपने ट्रांसपोज लेना है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स. जी क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज सिर्फ अभी अप्लाई लेना है, टेक करना है, अप्लाई नहीं कर देना. यहाँ पे भी देखें मैंने टर्म एज इट इज़ लिखी है लेकिन सिर्फ ऊपर मैंने टी का साइन लगाया. अब हम क्या करेंगे, अब हमने ले लिया, ले लेना है. कैसे लेना है कि मैंने कहा था रोज चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रोज. तो आप सिर्फ रोज को देखें, 3 और 4 रो फॉर्म में, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ. ठीक है. -1, 4 रो फॉर्म में है, तो मैं कैसे लिख रही हूँ, कॉलम में. दिस इज योर आंसर. क्लियर गर्ल्स? जी नाउ लुक एट बुक. बाकी बी सी डी एज इट इज आप ये खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं. आइडेंटिफाई ऑल रो मैट्रिसेस इफ. अब आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये रो मैट्रिक्स जो हैं उस पे लिख दें रो हैं, बस कि कौन कौन से रो हैं, अदरवाइज बाकी हम छोड़ देंगे. और रो मैट्रिसेस की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, जिसकी एक रो हो, अ नंबर ऑफ रोज हैव ओनली 1, जिसकी एक रो होती है दिस इज कॉल्ड अ रो मैट्रिसेस. जैसे ए है 3, 4, 5. अब यहाँ देखें दिस इज अ सिंगल रो, एक रो है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिसेस हो जाएगा. ये भी आपने बुक पे करना है. बी चेक करें, ये तो नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, रोज और कॉलम हमारे पास इक्वल हैं, तो ये रो नहीं है. जिस जो है वो आपने बस राइट कर देना है. अब ये है ई एफ जी, ये भी सिंगल रो है, तो आपने बस लिख देना है रो. यहाँ पे भी लिख देंगे रो. डी में भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज देखें 1, 2, 3 और कॉलम भी 1, 2, 3, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं है. और एफ भी हमारे पास नहीं है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये बुक पे ही रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई ऑल कॉलम मैट्रिसेस. और कॉलम मैट्रिसेस की हमारी डेफिनेशन क्या होती है, जी वेरी गुड, कि जिसमें हमारे पास एक कॉलम होता है.
विच हैज़ ओनली वन कॉलम, दिस इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिसेस। अब चेक कर लें, जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट आपका कॉलम मैट्रिसेस है, कैसे पता चले विच हैज़ ओनली वन कॉलम। हमने रो को नहीं देखना कि कितनी रोज हैं, बस हमने चेक करना है जिसमें कॉलम सिंगल हो जाए, दिस इज़ कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स। बी में चेक करें, यहाँ पे आपके पास वन और टू कॉलम है, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। सी चेक कीजिए, दिस इज़ ओनली वन कॉलम, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, बिकॉज इन दिस मैट्रिक्स थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स, राइट। ई, दिस इज़ रो और कॉलम, दिस इज़ कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कॉलम करना है, तो ये हमारे पास सिंगल कॉलम आ रहा है, तो इसलिए हमने कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। एफ, हमारे पास कॉलम वन टू थ्री कॉलम्स है, तो डैट्स वाई एफ इज़ नॉट अ कॉलम मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास सिक्स। सिक्स अब आप खुद करेंगे, सेम एज इट इज़ आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव आ रहा है कि आइडेंटिफाई ऑल कॉलम मैट्रिसेस, ठीक है, ये भी आपका बुक पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, आइडेंटिफाई ऑल थ्री बाई थ्री स्केयर मैट्रिक्स। थ्री बाई थ्री स्केयर मैट्रिक्स बताएं कौन सा है। थ्री बाई थ्री स्केयर के मैट्रिक्स का मतलब है थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स होने चाहिए। चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वन, वन टू थ्री, थ्री रोज, वन टू थ्री, थ्री कॉलम, यानी कि ये थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है, यानी कि रोज थ्री और कॉलम्स भी थ्री हैं, तो हम इसके ऊपर लिखते हैं आप स्केयर मैट्रिक्स। बी, नेक्स्ट चेक करते हैं, वन टू थ्री रोज बट इट हैज़ ओनली वन कॉलम, ये हमारा स्केयर मैट्रिक्स नहीं है। सी को चेक कर लें, वन रो बट कॉलम वन टू थ्री कॉलम, दिस इज़ आल्सो नॉट अ स्केयर मैट्रिक्स। क्लियर गर्ल्स, आपका होमवर्क में सिर्फ आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री। होमवर्क नोट डाउन कर लें, होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सरसाइज नंबर 6.2, जो आपने नीट रजिस्टर्स पर करना है। बाकी जो आपका क्वेश्चन नंबर वन टू फोर फाइव सिक्स सेवन, ये आपका बुक पर ही रहेगा, ठीक है गर्ल्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। डेफिनेशन इंशाल्लाह मैं आपको कल मार्क करवाऊँगी, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।